मैंने पास पैर मार रहा है भाई। ओ भाई साहब इस पैर पड़ेगा 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 और पड़ गया है भाई साहब। हमारे कैप्टन अमेरिका को स्पेयर पड़ गया है, तो भाई चेक करते हैं किक आउट करता है। हेलो गैंग, तो क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज की मैच हम लोग खेलने जा रहे हैं टीम रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेजनर वर्सेस टीम कैप्टन अमेरिका एंड बैटमैन, यानी कि भाई टीम रोमन रेंज एंड टीम बैट्समैन भी आप लोग कह सकते हैं। तो भाई मैच बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है हॉलीवुड के सुपरस्टार है और यहाँ पर जो है WWE के सुपरस्टार है। तो भाई हमें पता चलेगा कि ये मैच कौन जीतेगा। जब ये दोनों टीमें लड़ेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि कौन मैच जीतेगा। तो चलिए भाई बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी मैच स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई आप लोग स्क्रीन पर चारों के चारों रेसलर आ गए हैं और मैंने अरीना रखी है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप। तो भाई साहब टाइटल भी हमने रख दिया है और स्पेस हमारी मैच स्टार्ट हो गई। तो भाई साहब जिन बंदों ने अभी तक हर्ट्स गेमर गैंग ज्वाइन नहीं की, तो भाई ज्वाइन कर लो ना, हर्ट्स गेमर गैंग ज्वाइन कर लो, ताकि भाई मेरी जितनी भी नई वीडियो है तो आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। अब आप लोग ज्वाइन कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आपने भाई। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, भाई मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा, कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर है, पावर चेक करेंगे बैटमैन या फिर कैप्टन अमेरिका में या फिर रोमन रेंज या फिर ब्रॉक लेजनर के अंदर पावर है, हमें पता चल जाएगा आज की मैच में। तो भाई सबसे पहले अपना भाई बैटमैन आया है बाइक पर, जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है भाई, दी नाइटमेयर लग रहा है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। ओ भाई साहब कैप्टन अमेरिका भाई क्या लेवल पर आया, सच्ची बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा ही मतलब गुस्सेदार लग रहा है। तो भाई ये अपना रोमन रेंज भी आ गया है, हेड्स कम द हेवान भाई साहब, यानी बीस्ट हेवान को कहते हैं, तो भाई ये सच्ची में हेवान लग रहा है भाई। तो भाई रेफरी ने टाइटल दिखा दिया है स्मैकडाउन वाला, जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, और हमारे रेसलर भी तैयार हो रहे हैं, बैटमैन एंड अमेरिकन एंड रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेजनर। तो भाई मेरा कंट्रोल जो है वो किसके ऊपर है, अभी चेक कर लेते हैं। भाई मेरा कंट्रोल जो है वो बैटमैन के ऊपर है, तो भाई हटा लेते हैं, अब कंप्यूटर वर्सेस कंप्यूटर होगा, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करूंगा। तो भाई अब चेक करते हैं क्या करना चाहिए। बैटमैन ने रोमन रेंज को पकड़ लिया है और भाई बैंड मुंडी, तो भाई सच्ची सच्ची बता रहा हूं, अब चेक करते हैं क्या करने जा रहे हैं बैटमैन। और जो है बैटमैन ने इसको उठा लिया है और जो है बैक साइड सुपर लेग्स दे दिए, यानी कि भाई टीम हॉलीवुड बहुत ज्यादा ही खतरनाक चल रही है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ भाई। WWE की टीम इतनी पावरफुल मुझे नहीं लग रही शुरुआत में भाई, आप लोग चेक करवा रहे हो। और जो है बैटमैन को कॉर्नर की तरफ रोमन लगा दे, रोमन ने कर दिया रिवर्सल, रोमन बता रहा है भाई WWE की टीम पावरफुल है, आप लोग चेक करवा रहे हो, सच्ची में भाई रोमन रेंस मुझे गलत साबित कर रहा है। ओ भाई साहब रोमन रेंस ने बैंड बचा दी भाई, गुस्सा आ गया मुझे लगता है रोमन रेंस को भाई। और जो आप चेक करते हैं हथौड़े मुक्के भाई, ओ भाई ओ भाई भाई रोमन यार इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए, सच्ची बता रहा हूँ। और जो है रोमन ने बाहर बेइज्जत करके इसको फेंक दिया भाई, नहीं रोमन भी बाहर आएगा और बैटमैन भी बाहर आएगा और कमर तोड़ दिए। ओ भाई साहब यार मैंने रोमन को कहा क्या कि भाई WWE की टीम मतलब ज्यादा नहीं चल रही, तो भाई रोमन को सच्ची में गुस्सा ही आ गया और बैन बजा रहा हूँ भाई, 5 तक काउंटिंग है, अगर 5 हो गया तो सच्ची में तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे भाई, 2 गिन गया भाई, बैटमैन जा भाई रिंग के अंदर जा। और जो है बैटमैन रिंग के अंदर चला गया, रोमन रेंस रिंग के अंदर जा रहा है भाई, रोमन रिंग के अंदर जा, रिंग के अंदर जा भाई, रिंग के अंदर जा, अबे भाई रिंग के अंदर जाओ भाई, क्या देख रहे हो ये भाई, रोमन रिंग के अंदर जा भाई, सच्ची में दोनों को दोनों ही चढ़ गया एक दूसरे की तरफ देख रहे, कैश मुझे लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी जो भाई एक दूसरे की तरफ देखते। तो भाई अब चेक करते हैं बैटमैन हमारा क्या करने जा रहा है। और जो है बैटमैन ने इसको उठाया है कॉर्नर की जाने में लेके, तीन फिनिशर मैंने इनको दिए हुए शुरू में, तो भाई ये यूज क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ नहीं आ रहा, टैग दे दिया अपने साथ ही कैप्टन अमेरिका और दो बंदे एक दूसरे को भाई सटकेंगे। ओ भाई साहब शोल्डर टैग दोनों बंदों ने मारा है। तो भाई अब कैप्टन अमेरिका कह रहा है कि भाई रोमन की मैं बैठ जाऊंगा और भाई कैप्टन अमेरिका ने अपना फिनिशर मार दिया है भाई। ओ भाई साहब रोमन भाई नहीं नहीं रोमन भाई बेईमान, रोमन का दोस्त ब्रॉक लेजनर बीच में आ गया, जो कि सीन बहुत अच्छा भाई, पेन करा रहा है भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई 1-2 और भाई ब्रॉक लेजनर ने फिर से रोमन रेंज को बचा लिया, वरना तो भाई रोमन ये वाली मैच हार जाता भाई, सच्ची बता रहा हूं। और जो है ब्रॉक लेजनर को बेइज्जत करके हमारे कैप्टन अमेरिका ने नीचे फेंक दिया, तो भाई स्टन हो गया हमारा ब्रॉक लेजनर। भाई तू रिंग के अंदर जा, कीड़ा नहीं कर भाई, अबे भाई तुझे रिंग के अंदर जाने दो भाई, कैप्टन अमेरिका जो रिंग के अंदर चला गया भाई। रोमन रेंज अब भाई बैटमैन को मारने आया, कह रहा है कि भाई मेरे ब्रॉक लेजनर को बहुत ज्यादा मार पड़ गई, और ये दोनों जो है रिंग के अंदर आ गए हैं, तो भाई लड़ने वाले बंदे अब लड़ेंगे रिंग के अंदर। तो बेली टू बेली मार रहा था, लेकिन हमारे रोमन रेंज ने कर दिया है रिवर्सल। तो अब चेक करते हैं रोमन अपना सुपरमैन पंच मार दे भाई, रोमन रेंस के पास अभी तक सुपरमैन पंच आया ही नहीं, तो कहां से मारेगा भाई, रोमन अपना स्पेयर मार रहा है भाई। ओ भाई साहब स्पेयर पड़ेगा 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 और पड़ गया है भाई साहब, हमारे कैप्टन अमेरिका को स्पेयर पड़ गया है। तो भाई चेक करते हैं किक आउट करता है या फिर नहीं, हमें पता चल जाएगा। और जो है 1-2 नहीं भाई नहीं, कैप्टन अमेरिका बता रहा है भाई मेरी पावर किसी से काम नहीं है, रोमन ने उठा दिया भाई। और जो अब कैप्टन अमेरिका को फिनिशर मारना चाहिए, तो भाई अब जो है रोमन फिर से क्या करने जा रहा है भाई, टैग दे रहा है मेरे ख्याल से, अपने पार्टनर को टैग दे दिया है रोमन ने। अब आएगा ब्रॉक लेजनर द बीस्ट
अब लड़ेगा भाई, और जो है बैटमैन से बीस्ट लड़ेगा भाई। देखते हैं बीस्ट पावरफुल है या फिर बैटमैन, हमें पता चल जाएगा भाई बैटमैन पावरफुल है। रिवर्सल कर दिया, नहीं भाई ब्रॉक लेसनर भी पावरफुल है, रिवर्सल करके भाई नॉकआउट पंच मुंह में मार दिया है बैटमैन के और टैग दे दिया। ब्रॉक लेसनर कह रहा है भाई बस इतनी मार काफी थी बैटमैन को, रोमन इसको टैग दे दो भाई। अब चेक करते हैं क्या करने जा रहा भाई, हथौड़े मुक्के मुंह में पड़ रहे भाई। सच्ची में WWE की टीम खतरनाक चल रही है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, हॉलीवुड की टीम इतनी खतरनाक नहीं चल रही। ओ भाई साहब, ये ये मार 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 भाई, मुक्के मार, सुझा दे भाई इसका मुंह, सुझा दे रोमन, एक काम कर दे गिलिटिन 16 मार दे अपना भाई, गिलिटिन 16। मैं कह रहा था कि रोमन को मारना चाहिए और पहली बार रोमन ने मेरी बात मानी है। गिलिटिन 16 बैटमैन को बढ़ आगे बचा भाई, अपने साथी को बचा लिया है भाई, बैटमैन को हमारे कैप्टन अमेरिका ने बचा लिया, वरना तो भाई बैटमैन एलिमिनेट हो जाता भाई। रोमन रेज उठाकर कहां गया भाई, ये क्या है? और भाई रोमन आ गया है रिंग के अंदर, तो भाई अब चेक करते हैं क्या करना चाहिए भाई, बैटमैन ने रिवर्सल कर दिया, तो भाई अब क्या होगा भाई, ये क्या है, ये क्या है? ओह भाई साहब नॉकआउट मूव मारा, तो भाई आप चेक करते हैं क्या करने जा रहा भाई, बैटमैन के पास फिनिशर मौजूद है, तो भाई बैटमैन को अपना फिनिशर मारना चाहिए भाई, क्योंकि रोमन ने बैटमैन को फिनिशर मारा, तो भाई बैटमैन को चाहिए कि रोमन को अपना फिनिशर मारे, पिन करा रहा भाई। अब इतनी जल्दी भी ये बंदा नहीं जाने वाला, 1-2 किक आउट करके देखा भाई, इतनी जल्दी भी यहां पे कोई जाने वाला है नहीं, तो भाई बैटमैन अपना फिनिशर मार दे, बैटमैन अपना फिनिशर मार दे, बैटमैन फिनिशर मार दे, फिनिशर मार दे, बैटमैन काम कर भाई, ये क्या कुछ सिलाते मार रहा है भाई, सच्ची बता रहा हूं बैटमैन क्या कर रहा है भाई, मुझे लग रहा है कि भाई बैटमैन बहुत ज्यादा ही गुस्से में चल रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, अबे बैटमैन, ओ भाई क्या कर क्या रहा है भाई, ये क्या दौरा चढ़ गया है, ब्रॉक लेसनर को मारने आया, अपने साथी को बचाने आया है भाई, बैटमैन को दौरा चढ़ गया है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, अपने कैप्टन अमेरिका को भाई बचाने आया था, लेकिन भाई ये क्या है, ओ भाई साहब पावर स्लैम मार दे, फिनिशर मार रहा है, फिनिशर मार रहा है, फिनिशर मारने दे भाई, फिनिशर मारने देना, फिनिशर मार, फिनिशर मार, फिनिशर मार दिया है हमारे भाई, ओहो हो स्टोन कोल्ड फिनिशर भाई, रोमन रेंस एलिमिनेट हो गया है, ओ भाई साहब, क्योंकि मैंने KO ऑन करा था, तो भाई रोमन को 2 या 3 फिनिशर पड़ गए, तो भाई 2 या 3 फिनिशर में एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है और हमारा रोमन रेंस भाई एलिमिनेट हो गया। अब भाई ब्रॉक को बचाना है WWE की इज्जत, अगर भाई ब्रॉक भी एलिमिनेट हो गया ना, तो समझ लेंगे WWE हार गया और हॉलीवुड जीत गया। यहां पर सबमिशन क्यों करा रहा है भाई, काउंटिंग हो रही है, तो रिंग के अंदर लेके, तो भाई यहाँ पर जो है 2 बंदे और वहां पर 1 बंदा भाई, ये क्या सीन है, मतलब के ब्रॉक लेसनर अकेला लड़ पाएगा इनसे, मुझे नहीं पता भाई, सच्ची बता रहा हूँ। और ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर आ गए, ब्रॉक लेसनर तुझे कसम है एलिमिनेट कर दे, रिवर्स कर दिया है, ओ भाई साहब फिनिशर मार रहा था भाई बैटमैन को, लेकिन भाई रिवर्स कर दिया हमारे बैटमैन, तो भाई ब्रॉक लेसनर तुझे कसम है एलिमिनेट करना है, तुझे कसम है कैप्टन अमेरिका को एलिमिनेट कर दे, ओ भाई स्पेयर मार दिया है कैप्टन अमेरिका ने, फिनिशर मार दिया है, 1 ब्रॉक लेसनर उठने, 2 उठने, ओ भाई किक आउट कर दी भाई ब्रॉक, तुझे कसम है यार, टैग दे रहा है अपने पार्टनर बैटमैन को, तो भाई ब्रॉक यार WWE की इज्जत बजा ले भाई, हॉलीवुड के रेसलर जी जाएंगे तो भाई क्या इज्जत रह जाएगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, रिवर्स कर दे, नहीं कर रहा भाई, दोनों बंदे एक बंदे की भेंट बजा रहे हैं ब्रॉक लेसनर की, ब्रॉक लेसनर बेचारा परेशान हो गया कि भाई मेरा रेसलर रोमन रेंस एलिमिनेट हो गया है, तो भाई अब ये क्या कर रहा है भाई, ओहो यार ये क्या है, सबमिशन करा रहा है क्या कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, हाथ भाई तोड़ रहा है, ओ भाई साहब मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका आप अपना फिनिशर मारेगा और ओ भाई फिनिशर मार दिया, फिनिशर मार दे भाई, टैप आउट नहीं करनी ब्रॉक लेसनर, तुझे कसम है ब्रॉक, टैप आउट कर दिया, ओ भाई साहब यार मतलब टीम हॉलीवुड ये वाली मैच जीत गई है और टीम WWE ये वाली मैच हार गई है, ओ भाई साहब क्या मतलब यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, बैटमैन एंड कैप्टन अमेरिका दोनों टाइटल मैच जीत गए। आप लोग क्या चाहते थे, टीम WWE जीते या फिर टीम हॉलीवुड जीते, आप लोग चाहते क्या थे भाई, मुझे कमेंट में बताओ, और आप लोग मुझे ये बताओ कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और मुझे कमेंट में बताओ कि मुझे अगली मैच कौन सी खेलनी चाहिए, मतलब ऐसे ही खतरनाक सुपरस्टार हॉलीवुड के सुपरस्टार मुझे बताओ, तो भाई मैं WWE में रखूंगा, लेकिन भाई शर्त यह है कि कमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी कमेंट अच्छी हुई तो नेक्स्ट वीडियो आपकी, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पर जो भी आया तो दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।